बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ईटा पर यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपने चैनल में वेलकम करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं अपलोड करने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड फाइन आर्ट्स एंड ड्राइंग के एमसीक्यूज़ है। ये एमसीक्यूज़ आपको काफ़ी पैदा दे सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में, यानी जो एग्ज़ाम्स ईटा और NTS के ज़रिए होने वाले हैं। इस इतवार को DM का टेस्ट है, यानी ये एमसीक्यूज़ आपको काफ़ी पैदा दे सकते हैं। उनमें DM पर तकरीबन 5 पार्ट्स में ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ह्यू इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ ब्लैंक। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि ह्यू जो है ये एक खास नाम है नीचे दिए गए ऑप्शन में किस चीज़ का। तो ये कलर है, ये कलर का नेम है और ये कलर जो है हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को कलर की मैक्सिमाइज के लिए या मिनिमाइज के लिए, यानी कम कलर या ज़्यादा कलर की कंपोजिशन के लिए जो कलर यूज़ होता है इसका नाम है ह्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, टेक्सचर हैज़ ब्लैंक टाइप्स। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि जो टेक्सचर होता है इसकी कुल कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, यानी टेक्सचर हैज़ 2 टाइप्स, यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। तो आपने साथ में ये भी याद रखना है कि इसकी 2 किस्म होते हैं, एक होता है रियल और दूसरा होता है विजुअल। यानी रियल में हम महसूस कर सकते हैं अपनी सेंस के ज़रिए उस कलर को, और विजुअल में उसको हम महसूस नहीं कर सकते। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्टिस्ट एक्सप्रेस द रियल थिंग्स थ्रू ब्लैंक। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि एक आर्टिस्ट महसूस करता है, जाहिर करता है, यानी रियल थिंग्स, यानी अपनी आर्ट में, अपनी पनकारी में वो किस चीज़ के ज़रिए वो जाहिर कर सकता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लाइंस, यानी लाइंस के ज़रिए, यानी एन आर्टिस्ट एक्सप्रेसेस द रियल थिंग्स थ्रू दियर लाइंस, यानी वो एक, यानी एक असली पंकार जो होता है वो अपनी पंकारी को, यानी अपनी आर्ट को खतूत के ज़रिए जाहिर कर सकता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक कलर इज मेड फ्रॉम द वेव्स ऑफ वेरियस कलर्स। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सा कलर है जिससे वो एक कलर है और वो उसमें मुख्तलिफ कलर्स मौजूद है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है वाइट कलर, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। यानी वाइट कलर से जो स्पेक्ट्रम बनता है वो बैंड होता है, 7 कलर का वो बैंड होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी द। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पर्सपेक्टिव आर्ट इज फॉर प्रोवाइडिंग द ब्लैंक ऑफ एन आर्ट पीस। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि जो पर्सपेक्टिव आर्ट होता है वो किस चीज को मुहैया कर सकता है। तो वो डेप्थ ऑफ एन आर्ट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी एक पर्सपेक्टिव आर्ट जो होता है ये एक ऐसा आर्ट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट में 3 डायमेंशनल स्पेस जो होता है वो उस आर्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये एक रियल वर्ल्ड भी हमें इस पिक्चर में दिखाई देता है जो आर्ट पर्सपेक्टिव आर्ट के ज़रिए बना दिया जाता है। तो अगर हम उसके अंदर देखें, जानकर देखें, वो हमें यूँ लग रहा है कि हम इस आर्ट की दुनिया में मौजूद है, वो एक रियल पीस होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। इसके अलावा आपने साथ में ये भी याद रखना है कि पर्सपेक्टिव आर्ट्स की 3 किस्में होते हैं। 1 होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, दूसरा होता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और थर्ड होता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो इसमें आपने साथ में ये भी याद रखना है और इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में कहते हैं लो रिलीफ आर द पिक्चर्स कॉइन ऑन अ ब्लैंक, यानी लो रिलीफ वाले जो पिक्चर होते हैं वो सिक्कों पर बनाए जाते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है कॉइन्स। लो रिलीफ उसको कहा जाता है जो, यानी जो सिक्के पर जो पिक्चर बना दिया गया है वो थोड़ा उससे थोड़ा बाहर हो। और इसका दूसरा काइंड जो है वो है मिड रिलीफ। मिड रिलीफ में ये कहते हैं कि वो पिक्चर जो है उसको हम चू सकते हैं और वो कॉइन से थोड़ा बाहर हो, बाहर की तरफ हो। और हाई रिलीफ यानी वो उसका मुकम्मल बैकग्राउंड बाहर की तरफ निकला हो। तो इसको कहा जाता है हाई रिलीफ। आपने साथ में
आपने ये भी याद रखना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द आठ कंपोनेंट्स रूल्स इन स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट ऑफ वे इज कॉल्ड ब्लैंक। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है यानी कि जो आर्ट होता है यानी एक मखसूस तरीके के साथ या उसूलों के साथ जो आर्ट होता है उसका एक मखसूस तरीका होता है और उस तरीके को कहा जाता है कंपोजिशन। कि जो आर्ट कंपोनेंट की स्पेसिफिक उसूल और उसका एक ख़ास वे होता है तो उसको कहा जाता है कंपोजिशन। यानी जब भी हम आर्ट को बनाएंगे तो उसका एक अपने उसूल होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उस प्रिंसिपल के तहत आपने उस आर्ट को बनाना होता है, उसकी कंपोनेंट यूज़ करने होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंपोजिशन, यानी ऑप्शन ई सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ब्लैंक आर कमर्शियल आर्ट इज द मीडियम फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि नीचे दी गए ऑप्शन में यानी वो कौन सा ऑप्शन है जो कमर्शियल आर्ट या उसका दूसरा नाम वो है जिसके ज़रिए हम वो यानी जो आर्ट हम बनाते हैं उसमें पब्लिक के लिए एक इंफॉर्मेशन होती है, मालूमात होती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी यानी ग्राफिक। यानी ग्राफिक आर कमर्शियल आर्ट इज़ द मीडियम फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो इस सवाल में कहते हैं कि जो ग्राफिकल या जो ग्राफिक या कमर्शियल आर्ट होता है उसमें पब्लिक के लिए कुछ मालूमात होते हैं उस ग्राफ में। तो अपने साथ में ये भी याद रखना है कि जो आर्ट होता है यानी जो ग्राफ आर्ट होता है वो तीन किस्म का होता है। एक को कहा जाता है बार ग्राफ, दूसरे को कहा जाता है पाई ग्राफ और तीसरी को कहा जाता है चार्ट ग्राफ। तो ये आपने क्रिकेट में भी देखा होगा और नेक्स्ट जो जितनी भी इदारे होते हैं उनमें जो ग्राफ बनाया जाता है वो इसको कहा जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ए नॉन बैलेंस आर द टू साइड्स आर ब्लैंक। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि जो नॉन बैलेंस आर्ट होता है उसमें नॉन बैलेंस नाम से जाहिर है कि वो दोनों तरफ इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डेकोरेटिव लाइंस आर यूज्ड इन टाइटल्स एंड टेक्सटाइल डिजाइनिंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है टेक्सटाइल डिजाइनिंग। यानी इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि जो डेकोरेटिव लाइंस होते हैं ये यूज होते हैं यानी टाइटल के लिए और टेक्सटाइल डिज़ाइन के लिए ये यूज़ होते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।